क्या कंगना रनौत का संसद सदस्यता छीन ली जाएगी? कंगना रनौत का नाम कौन नहीं जानता। पहले तो ये सिर्फ बॉलीवुड में ही अपने झगड़ों को लेकर सुर्खियां बटोरती थी, लेकिन अब ये देश की संसद में भी अपनी जगह बना चुकी हैं। दोस्तों, ये वही कंगना रनौत है जिन्होंने देश को 2014 में आज़ाद होते हुए देखा था। इनके कई सारे बयान आए दिन सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं। इन्होंने तो मोदी जी को साक्षात भगवान राम का अंश बता दिया था। खैर, ये तो कंगना है तो कुछ भी कह सकती हैं। आखिर इनके गुरु स्वयं नरेंद्र मोदी जी जो ठहरे। पूरी खबर क्या है जानने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कंगना के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई है और पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कंगना को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे में कंगना का संसद सदस्यता रद्द होने पर चर्चा हो रही है। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से 7,04,755 वोटों से चुनाव जीती है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया है। विक्रमादित्य राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग में मंत्री भी हैं। विक्रमादित्य को 4,62,267 वोट मिले थे, जबकि कंगना ने 5,35,002 वोट हासिल किए थे। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कंगना का चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहता था। इसके लिए उसने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। नेगी का कहना था कि वो वन विभाग में कर्मचारी थे, चुनाव के लिए उन्होंने VRS लिया था। रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र के साथ विभागीय नो ड्यूटी भी सबमिट किया था। नेगी का कहना है कि वो नामांकन के दौरान मुझसे कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिल, पानी, टेलीफोन के नो ड्यूटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे। उन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अगले 2 दिन तक का समय दिया गया था। अगले दिन जब हमने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया। नेगी ने दावा किया कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते तो वे चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कंगना ने गलत तरीके से जीता है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।